नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है सभी का लॉजिकल कंप्यूटर्स पे। तो जैसा आरआरबी ने बोला था, पहले 11 तारीख, फिर 12 तारीख और फिर 14 तारीख। तो 14 तारीख के लिए उन्होंने फाइनली एक डेट दी थी कि 14 तारीख को आपको दोपहर में 1 बजे आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो लगभग 10 से 11 लाख बच्चों का इसका इंतजार था। सभी लोग मतलब अपने फ़ोन पर ही लगे हुए थे देखने के लिए कि बस रिजल्ट आ जाएगा, हम चेक करेंगे आंसर की, और इसके अकॉर्डिंग आगे की आपकी जो जर्नी है वो आप प्लान करोगे। लेकिन फिर से एक वही बेहद घटिया सा भद्दा सा मजाक फिर से किया गया कि जैसे 1 बजे आप वेबसाइट पर पहुँचते हैं और क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाता है जिसमें नई डेट दी गई है 15 फरवरी 1 बजे, मतलब ठीक एक दिन बाद की। और मुझे तो नहीं पता कि कैसा, शायद टीशर्स ही इनका वेंडर है। और ये मतलब ठीक से नोटिस तक भी नहीं डालते हैं कि मतलब जो स्टार्टिंग डेट दे रखी है कि 15 फरवरी 1 बजे तक, मतलब जिस टाइम पे चालू का उसी टाइम पे आंसर की ख़त्म भी हो जाएंगी। मतलब ऐसा होगा नहीं फिलहाल, ये कि एरर हो गई है उनसे, ह्यूमन एरर हो जाती है ये सारी बातें। लेकिन ये मतलब इस तरीके से करा ठीक नहीं, इनको चाहिए कि एक फिक्स डेट दे दें तो उस तारीख बच्चे आके अपनी आंसर की चेक कर लें। इससे होता क्या है कि मतलब बच्चा सारा दिन सुबह से इंतजार किया करता है कि कब की जाएंगी, कब हम चेक करेंगे, लगातार अपने फ़ोन पे लगे रहते हो और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो फिर आप फिर अगले दिन का इंतजार करते हो। तो ये चीज़ को ख़त्म होनी चाहिए और होपफुली अब हम ये प्रे करेंगे कि कल जो फाइनली 15 तारीख को आपकी आंसर की जा जाएंगी, जिससे आप अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।